13th of June 2022, JETH 1, question answers. हमारी अच्छाई का बार बार लोग गलत फायदा उठाते हैं। अब हमारे विश्वासघात करते हैं। लोग सिर्फ अपना मतलब चाहते हैं। ऐसा लोगों से क्या अपेक्षा करें। सो अभी क्या है कि हमें दूसरों का जो है कंट्रोल नहीं होगा। हम जो है, मैं भी आपका कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? अगर कंट्रोल कर सकते हो, 6:30 बजे सब लोग आप यहाँ पे रहते थे, मगर आप नहीं हैं, 5:30 बजे नहीं रहते आप, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे सारे इसके अंदर? तो आप तो यहाँ पे हमारे इसके लिए आए थे कोर्स के लिए, और ये कोर्स करने के लिए आपको किसी ने बुलाया नहीं था, आपने खुद आए, अपने मन से आए, मगर मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो आप जाके किसी और को कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे तो ये जो कंट्रोल है वो पॉसिबल नहीं है। बुद्ध का इसीलिए कहना है कि आप जो हम धम्मपदा के जो शब्द पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते हैं ना, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे डांटा। उस ऐसा सोचने वाले का वैर कभी शांत नहीं होता। अगर आप वैर रखेंगे या सोचेंगे कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है, तो वो जो है आप वो आपका जो मानसिक स्थिति है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ओके? वो मानसिक स्थिति आप खराब करेंगे। आप अगर सोचेंगे कि जो भी मेरे इसमें था, कर्म में लिखा हुआ था, वो उसी हिसाब से वो कर्म से चले गया मेरे। किसी ने मेरे से लूटा तो शायद मैंने किसी और से लूटा होगा, तो मेरे से ये किसी ने लूट के ले गया। उस तरह से अगर आप सोचेंगे और उसका वेयर नहीं रखेंगे, इसका मतलब नहीं कि पुलिस में आप जाके कंप्लेन नहीं करेंगे अगर कोई चोरी हो गई तो। वो आप जो भी लीगल है वो करना है। वो बुद्ध कहते हैं कि आपको जो भी आप देश में हैं उसका जो कानून है उसका पालन करना है, तो ऐसा नहीं। मगर आप अगर उसके बारे में मन में मोटाव रखते हैं, उसके बारे में घृणा रखते हैं, तो वो घृणा ऐसा चीज़ है, ऐसा कहते हैं कि जैसे बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोयला है, आप कोयला को आप दबाओ उसको, और आपको तो किसको हानि होगी? आपको खुद को ही होगी ना, कोयले का तो कुछ हानि होगी नहीं। तो उस तरह से है कि आपका ही हाथ जलेगा। और एक दूसरा कहना है अंग्रेजी में कि अगर आप किसी के पास में बदला लेना चाहते हैं तो, या किसी का घृणा रखते हैं, तो घृणा इस तरह की चीज़ है कि आप पॉइजन लेते हैं, आप विष लेते हैं, और आप सोचते हैं कि सामने वाला मर जाए, मगर सामने वाले को कुछ नहीं होता, आप ही को हानि होती है। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी जो तकलीफें हैं जो मनुष्य को होती है, वो मानसिक रूप से चालू होती है। जैसे अल्सर का बीमारी बोलते हैं कि वो फिकर करने से उससे आपको अल्सर हो जाता था, या फिर बोलते हैं कि हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, वो बहुत सारे ऐसा अलग अलग गुरु कहते हैं कि ये सारी चीज़ें का जो मूल है वो मूल कहाँ पर है? आपका जो घृणा है, आपका जो चिपकाव है, जो आप छोड़ते नहीं है, जो हो गया है पिछले, तो सब हमारे में आता है। वो ऐसा है कि विष हम पीएंगे और किसी और का होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको विष पीना बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचना कि कोई आपको धोखा देता है या कोई आपका अच्छाई का बुरा ये लेता है, वो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से आपका प्रज्ञा जगाए, आपका जो विजडम है आपको जगाना है। अगर आप किसी को हाँ कहते हैं कोई चीज़ के बारे में, कोई आपको लोन मांगने आता है कि ज़रा 50 रुपये दे देना, तो आप हाँ कहते हैं, तो आपका अंदर क्या स्थिति है, मनस्थिति है कि उस आपको उसको दे रहे हैं? आपको पता भी रहता है कि ये मुझे देगा नहीं वापस, तो क्या मनस्थिति आपकी है कि आप वो 50 रुपये या जो भी आप अपने तरफ से जो रहेगा, आपका किताबें दे देते हैं, तो किताबें तो वो बोलते हैं ना कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मगर किताबें के रखने का शेल्फ नहीं है, क्योंकि कोई मुझे शेल्फ देता ही नहीं है। तो किताबें बहुत लोग ले लेते हैं मगर वापस नहीं करते। तो ऐसा क्या होता है हमारे अंदर कि हम ये होने देते हैं? उसके लिए क्या है, आपको मन को अपना समझना चाहिए ना। आप अपने मन को नहीं समझेंगे तो आप
क्या हो रहा है, वो क्या घटित हो रहा है वो उसको समझेंगे नहीं, कि क्या जो ये सत्य है उसको सत्य को नहीं समझेंगे। जो अगर आप सत्य समझेंगे नहीं तो ये आपका जो विचलन है, आपकी घृणा है और आपका जो ये क्या बोलते हैं विक्टिमहुड है, ये आपका जारी रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ में बुरा किया है तो उसको माफ़ करना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसको माफ़ नहीं करते हैं तो उसका जो बोझ है वो आपको ही खुद होना है ना, उस सोच का बोझ है, उस स्थिति का जो आप बार बार सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करता था तो ऐसा हो जाता था, वो सारी जो सोच है वो उसका बोझ को किसको ढोना पड़ता है, आपको ही ढोना पड़ता है ना। तो वो सोच का बोझ आपको ढोना नहीं है, आपको उसे जाने देना है, क्योंकि जितना भी किसी ने किया है आपके साथ में, शायद आपने बहुत ज़्यादा दूसरे के साथ में किया है। जैसे एक डॉक्टर है जो लोगों को हिप्नोटिज्म करवाता है और पूर्व जन्म के जो अवस्था है उसके बारे में याद दिलाता है, तो वो लिमिटेड करता है, क्योंकि वो क्या करता है कि पूर्व जन्म के अंदर अभी के जन्म में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक का प्रॉब्लम था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको मारता था पीटता था, मगर वो छोड़ नहीं सकती थी उस बॉयफ्रेंड को। तो फिर उसने देखा पूर्व जन्म में, बहुत सारे जन्म में उसका इसके साथ में कुछ संबंध था, कुछ लिंक था, कुछ स्टोरी था, तो उनको समझ में आया उस लड़की को, और उसने फिर उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया कि अभी ये जारी रखने लायक नहीं है, तो वो छोड़ दिया और उसका लाइफ अच्छा हो गया। तो वो जो है उस तरह से पूर्व जन्म दिखाता था, तो उसको ये पता चला कि जब पूर्व जन्म के अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो है बहुत सारा गलत काम किया है, और एक चीज़ कॉमन रहती है, जैसे हमारे बनते विमल रमसी जी है, वो भी सिखाते हैं कुछ लोगों को पूर्व जन्म किस तरह से देखना। तो उसके अंदर ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं युद्ध में हमने भाग लिया है, हमने हजारों लोगों को मारा है, ऐसा हमें कहीं ना कहीं ज्ञान होगा। इसलिए वो जो विद्या है वो विद्या आपको चौथे जाना के बाद ही आपको दी जाती है, और जो इसके बारे में निपुण है वही गुरु देते हैं, जिसे मैं तो नहीं देता, तो मेरे वो कैपेसिटी नहीं है, मगर कुछ हमारे जैसे बनते विमल रमसी हमारे जो गुरु हैं वो कर सकते हैं। और एक इंडोनेशिया में भी एक हमारे गुरु का एक शिष्य है, वो हिप्नोटिज्म के द्वारा पूर्व जन्म की जानकारियाँ आपको याद दिला सकता है। उसके अंदर भी उसने एक चीज़ बोला कि एक चीज़ जो कॉमन है कि हम लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं हमारे पूर्व जन्म में, वो एक कॉमन चीज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके साथ में हो रहा है, शायद आपने दूसरों के साथ में बहुत बुरा किया होगा, तो उसको आपको समझना है कि सारी चीज़ों का जड़ क्या है, वो है अविद्या। ओके, कल हम ऐसा रहेगा तो इसके बारे में लेते हैं, पति च समुपदा के बारे में लेते हैं। ओके, तो आज हमने जाना का बारे में सीखा, कल हम पति च समुपदा कैसे बुद्ध सोचते हैं जब वो बोधिसत्व है, पति च समुपदा के बारे में किस तरह से वो मंथन करते हैं उसके बारे में लेंगे। तो सबका शुरुआत कहाँ से होता है? अविद्या से। अविद्या तो आपके पास भी है और अविद्या तो सामने वाले के पास, आपको भी सत्य का ज्ञान नहीं है, उसे भी सत्य का ज्ञान नहीं है, तो ये सबका सॉल्यूशन क्या है? आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, और सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेथड क्या है? यही मेथड है जो हम आपको दे रहे हैं, उससे आपको सत्य का ज्ञान होगा। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे जैसे आपका क्लैरिटी बढ़ेगा, किसी ने कहा था आज ही के ये 3 दिन से ऐसा हो रहा है, तो मैंने बोला कि आपको उतना तो पता चला ना 3 दिन से ऐसा हो रहा है, इससे पहले इसके बारे में कैसे बोला था कि 3 दिन आपका ऐसा होता है, आपका मन विचलित होता है वो भी पता नहीं था मुझे, मन शांत होता है वो भी पता नहीं था। तो ये जो है चीज़ें आपका अज्ञानता से होती है, और अज्ञानता जैसे जैसे जाएंगी आपको और आपको जो जीवन के अंदर जो है आपको नियंत्रण और आएगा, और ये सारी चीज़ें के बारे से आपसे उभरोगे। मनुष्य का इमोशनल होना होगा अच्छा है या बुरा? देखो, इमोशनल होना बुरी बात है,
क्योंकि इमोशन होता है तो किस तरह से मैंने बताया कि इमोशन है, गुच्छा है, एक कुछ विचारों का गुच्छा है। जैसे आपने समझो अच्छे 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 विचार लिए तो आपको खुशी का अनुभव होगा आपको, और आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा। जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं ना, मोटिवेशन आप इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में जाते हैं, कुछ महेश्वरी करके नाम है कोई, वो बोलते हैं, मैंने सुना नहीं उसको, मुझे सुनना है, बोलता है वो इंस्पिरेशनल बोलता है। तो आप सुनेंगे, अरे आप करो ये, हर ये इसने किया, और वो जेफ बेजोस हो गया, उसके पास 100 बिलियन डॉलर है, आप भी ऐसा करना चाहिए वैसा कर। तो आप ये सारी अच्छी अच्छी उत्साह भरी बातें सुनते हैं तो क्या उत्साहित हो जाते हैं, तो आपका इमोशन हो जाता है। फिर 4 दिन के बाद क्या होता है उत्साह का, अब जाओ वहाँ पे फिर दूसरा महेश्वरी वीडियो नंबर 2, क्योंकि एक वीडियो नंबर तो आपने उत्साह ले लिया, अभी दूसरे वीडियो से आप उत्साह लेंगे। तो वो जो चीज़ है, जो भी चीज़ जो है आपको बाहरी रूप से आई है, वो चीज़ टिक नहीं सकती, क्योंकि आपका उसके अंदर अंत ज्ञान नहीं है। तो पहले ये सूत्र का शुरुआत कैसे हुआ, जैसे हमने लिया मज्जी मैंने कहा 111 के सरिपुत्ता को अंत ज्ञान हुआ। आंतरिक ज्ञान का जो मतलब है कि आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आपको यही पता नहीं चलेगा कितना भी हम मैं संन्यास लेने से पहले सिटी बैंक में काम करता था, तो हम लोगों को मोटिवेशनल कोर्सेज के लिए बुलाया जाता था, और बड़े बड़े होटल के अंदर 5-स्टार होटल में या जो ट्रेनिंग सेंटर में हमको लेके जाते थे, वहाँ पे मोटिवेटर आता था, हमको बहुत मोटिवेट करता था, हम लोग बहुत मोटिवेट हो जाते थे, और दूसरे दिन सुबह कोई मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं रहता था। एक बार तो उन्होंने 3 दिन का मोटिवेशन का हमारे एक 5-स्टार होटल में रखा, पूरा मोटिवेशन का सिस्टम उन्होंने एक्सेप्ट किया, कुछ फिश पे था, कुछ मछली के ऊपर था, वो लोग वो जापान के मछली बाजार किस तरह काम करते हैं उसने वो चेक किया, और उसने लेके आया था, वो कोई पूरा पूरा सिस्टम था, सबको को एक एक बुक दिया गया। मगर 5-10 दिन के बाद में उसका कोई नामो निशान नहीं था। जो भी आप इमोशन के हिसाब से करेंगे, वो इमोशन जो है क्या है, इम्परमानेंट है, वो आपका नहीं है, क्योंकि वो जो भी आता है, जो वो बाहर से आता है या आपके अंदर आंतरिक रूप से आता है कोई ख्याल, उस ख्याल कैसे आता है उसको पता नहीं है, कैसे रहता है वो उसका पता नहीं है, कैसे जाता है उसका पता नहीं है, तो आप पूरा अविद्या में जी रहे हैं। तो कोई भी इमोशन आएगा वो आपको कंट्रोल करेगा, तो आप उसको उसका जो अर्थ है, जो एक्चुअल जो रियलिटी है वो समझेंगे नहीं। उसका सत्य क्या है कि वो अनाथा है, वो आपका नहीं है। अनाथा का मतलब क्या है, अव्यक्तिगत है, फिर वो अनिच्छा है, और उसके साथ में आप झगड़ा करेंगे जो भी इमोशन आता है, तो आपको क्या होगा, दुख होगा, क्योंकि आप सत्य के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो आपको कोई पीड़ा होती है, पीड़ा के साथ झगड़ा करेंगे, तो बुद्ध कहते हैं जैसे आपको एक तीर लगता है, उसका पीड़ा फिजिकल पीड़ा आप उससे झूठ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वो फिजिकल है, मगर आप उससे ऊपर दूसरा तीर अपने आप को ही मारते हो, बोलते हाँ ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो अच्छा हूँ, तो ये मेरे साथ ये सब बुरा क्यों होता है, मुझे ये पेन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो क्या होता है, और दुख होता है आपको, तो और आपका मन विचलित होता है। तो वो सब जो चीज़ें हैं आपको समझने, सत्य आपको समझने, सत्य है उसके साथ झगड़ा मत करो, सत्य के साथ में रहो। तो अगर आपका मन में आता है ख्याल मैं उठ जाऊँ, तो आप उठ जाते हैं, मन में आता है ख्याल कि अभी थोड़ा आराम ही कर लेते हैं, तो वॉकिंग मेडिटेशन नहीं करते, जाते ऊपर आराम करने चले जाते हैं। फिर आपको मन में आता है अभी थोड़ा चाय पी लेता हूँ, वहाँ पे जाके पूछता हूँ चाय देते हैं क्या, तो चाय पीने चले जाते हैं। तो मन में आता है वो आप करते हैं, तो क्या आपका मन के अंदर आपका नियंत्रण है, क्यों नहीं है नियंत्रण, उसका एक सिंपल कारण है, आपको मन का कार्य के बारे में पता नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है ये। तो अविद्या जो है उसका मतलब क्या है कि आपको इसका ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं होने से आपका मन इधर उधर जाता है और सारी चीज़ें होती है, तो आपका ज्ञान आने से वो सारी चीज़ें का नियंत्रण भी होता है। जो यहाँ पे बोलते हैं अविद्या पच्चाया संखारा, तो मगर आप क्या बोलते हैं कि जब अविद्या नहीं है तो फिर संखारा नहीं है, संखारा नहीं है तो विज्ञान नहीं है, तो सारी चीज़ें भी खत्म होती है जब अविद्या खत्म होती है, तो उस तरह से आपको समझना है। अगर मेडिटेशन में मन ना योगे तो लगे तो
क्या आनापाना कर सकते हैं? नहीं, ये चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आनापाना का क्या है कि आनापाना का एक आदत है। आपने पहले आनापाना किया होगा तो एक आदत है, और हम आदत को छोड़ने वाले हैं। आनापाना में क्या होता है कि आपको क्या सिखाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। आपका मन आपके श्वासों श्वास पे है, ओके, और आपका मन किसी और चीज़ पे चले जाता है, आप उसे वापस लेके आते हैं और फिर आपका मन श्वास पे रखते हैं। मगर आनापाना का इंस्ट्रक्शन वो नहीं है। आनापाना का इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपका मन जब आपका श्वास अंदर लेते हैं तो आप पूरे शरीर को ध्यान रखते हैं, और कोई भी बात नाक के बारे में, पेट के बारे में, होंठ के बारे में कुछ कहा नहीं गया है आनापाना स्थिति में। पेट के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है। आप श्वास सिर्फ जानते हैं कि श्वास अंदर गया और श्वास बाहर आया, तो आपका जो आनापाना का इंस्ट्रक्शन ही है वो कुछ गलत रहेगा, ओके। और उसके अंदर आपको रिलैक्स का आपको बताया नहीं गया कि आनापाना क्या है, रिलैक्स का बताया गया है, रिलैक्स करना है। पासम बायं कायम बोलते हैं कि आप श्वास लेते हैं तो रिलैक्स करें, श्वास छोड़ते हैं तो रिलैक्स करें, वो आपको बताया नहीं गया है। तो वो सारे जो आदत हैं उससे छूटने के लिए इसीलिए हमने मेत्ता का लिया है। और मेत्ता का दूसरा बेनिफिट ये है कि तीन तरह के जो है आपके चिन्ह हो सकते हैं, या जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हो सकते हैं। एक है जो आपको बुराई की तरफ लेके जाते हैं, तो जो भी आप सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं तो वो आपका बुराई की तरफ लेके जाते हैं, तो वो चिन्ह आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कौन सा है? श्वास न्यूट्रल है। श्वास ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव है। और कोई एक चिन्ह है जो पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वो क्या है? मेत्ता, ओके, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो अगर आप मेत्ता लेंगे तो क्या होगा? मेत्ता आपका बढ़ेगा। मेत्ता बढ़ेगा तो आपको कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि मेत्ता से कोई नुकसान नहीं हो सकता। आप किसी के ऊपर करुणा करते हैं तो कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। मुदिता है आपके अंदर तो किसी का नुकसान होगा? नहीं होगा। उपेक्षा है तो किसी का नुकसान नहीं कर सकते आप। तो उस तरह से आपको समझना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं वो आप पुराने आदतों को छोड़ने के लिए सीख रहे हैं। तो आपका मन विचलित होता है तो वो सत्य है, उसके साथ झगड़ा मत करो और उससे भागो भी मत। आपका मन विचलित होता है तो उसके साथ अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो जो भागोगे, जितना भागोगे उतना ही पकड़ेगा। और हमारे बनते कहते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट इट यू कांट गेट इट, अगर आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपको शांति चाहिए, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जो भागते हैं वो लोग बोलते हैं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बोलते हैं अमेरिका का जो मोटो है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो बोलते हैं कि अगर तुम और वहाँ पे अमेरिका में कोई हैप्पी है? रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स हैप्पी नहीं है, और डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स हैं। वो लोग पूरा जो जो ये है वहाँ पे करोड़ों रुपया वो लोग कमाते हैं तो वो लोग हैप्पी नहीं है, क्योंकि इसके पास और ज़्यादा है। जेफ बेजोस अभी हैप्पी नहीं है क्योंकि स्पेसएक्स का रॉकेट ऊपर जाता है उससे, और स्पेसएक्स हैप्पी नहीं है क्योंकि वो ट्विटर खरीद नहीं सकता है। तो कोई भी हैप्पी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सब लोग हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। और हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है? मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छा कहानी जो है, ओशो, ओशो का नाम सुना है? भगवान रजनीश, उसने बहुत अच्छा कहानी बताया कि एक आदमी रहता है, वो रास्ते पे रहता है, तो कोई बोलता है कि तुम इतना दुखी हो क्या? मेरा घर नहीं है, घर होता तो वह तकलीफ नहीं होती। तो उसको वो क्या करता है, वो घर दे देता है कि ये देखो मेरा एक यहाँ पे झोपड़ी है, वो घर वहाँ झोपड़ी में रहो। तो वो झोपड़ी में रहता है तो बोलता है कि यहाँ पे क्या है कि बारिश आती है, पानी आता है, ये पूरा गिरते रहता है। पक्का मकान होता तो उसको पक्का मकान देता है। तो पक्का मकान रहता है तो बोलता है कि फ़ैन नहीं है, ये नहीं है, फर्नीचर नहीं है इसमें। तो बोलता है चलो फ़ैन फर्नीचर वो सब डाल देता है। बोलता है कि गर्मी में तो उसे एसी चाहिए, तो उसको एसी देता है। बोलता है कि जाने जाने के लिए मेरे पास ये नहीं है, तो उसको गाड़ी देता है। तो बोलता है ये गाड़ी जरा बहुत पुरानी है, सेकेंड हैंड है गाड़ी, तो हमको नई गाड़ी चाहिए। नई गाड़ी देता है तो बोलता है कि और मुझे ये गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और उसको और बड़ी गाड़ी देता है। तो वो बोलता है कि अभी हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे। तो उसका कहीं भी अंत नहीं आता है। तो उसका अभी एक हमारे हिंदू इंडिया के अंदर भी एक कहानी है जो है मच्छी की, कि जो मच्छी रहता है, एक ऋषि है, शायद ऋषि
मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो ऋषि रहता है एक मच्छी लेता है, बोलता है कि वो मच्छी भाग रहा रहता है दूसरा मच्छी खाने का, तो मैं तुमको सुरक्षा दूंगा। तो मच्छी क्या होता है, वो हाथ में रखता है तो बड़ी होती जाती है, तो वो घड़े में मच्छी को डाल देता है। मच्छी घड़े में चले जाती है तो बोलता है कि बड़े होती जाती है तो घड़ा भी छोटा होता है, तो वो तालाब में डालता है, तो तालाब छोटा होता है तो बड़े वो ये बनाता है समुंदर, समुंदर तो समुंदर छोटा पड़ता है, तो वो क्या करता है कि ये बारिश चालू करता है, बारिश चालू करता है तो पूरा पृथ्वी डूब जाता है, तो भी वो मच्छी उससे भी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ जो है संतुष्ट नहीं कर सकती आपको, उसका एक एक उदाहरण है उस तरह से। तो जैसे ये चीज़ जो है, जो भी आपका आपको चाहिए, जैसे आपको शांति चाहिए तो आपको आना पाना सती पे भाग के आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई और चीज़ मिल जाएगा तंग करने के लिए। ओके, तो आपको भागना नहीं है, आपको जो हमने प्रैक्टिस दिया है वो करते रहना है। इमोशनल ये हो गया, ये तीन ही था क्या? हाँ, यहाँ पे है। ओके, किसी इस इंसान से अगर हम प्यार करते हैं पर उस इंसान के हमारे फीलिंग की परवाह नहीं, तो ऐसे इंसान से कैसे बर्ताव करें? जो अभी ये जो चीज़ है वैसा है कि आपको कोई भी इंसान आपको पसंद करे या ना करे, आपको बर्ताव करना चाहिए अच्छी तरह से। आपको घृणा से बात करे या आपको प्यार से बात करे, आपको सिर्फ मेहता से बात करना है। यहाँ पे काको चपावा चुत्ता करके है, इसके अंदर क्या बोलते हैं कि सिमिले ऑफ द सौ बताए आरी, तो दो हाथ की आरी से अगर किसी कोई आपका हाथ काट रहा है, एक एक करके हाथ काट रहा है, तो भी आप अपने मन में एक सेकंड के लिए दुर्भावना की भावना नहीं लाएंगे, और जो व्यक्ति को मेत्ता भेजेंगे, ऐसा बुद्ध का कहा जाना है कि वो अगर दुर्भावना की भावना लाता है अपने मन में तो वो मेरा शिष्य नहीं है। तो अगर कोई आपके दो आरी हाथों के आरी से आपका पैर और हाथ काट रहा है तो भी उसके प्रति दुर्भावना करना चाहिए। ये तो सिर्फ आपका फीलिंग को रिसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, मीन्स आपका फीलिंग के साथ में ये नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसका कोई नहीं, आपको मेत्ता ही रखना है। मेत्ता का भावना इसीलिए हर एक जिंदगी के अंदर भी बहुत ही ज़रूरी साबित होता है। तो आप बुद्ध का एडवाइस है, हम ये सुत्ता का बारे थोड़ा बहुत है ना लास्ट दिन में पढ़ के सुनाएंगे। ये जो सुत्ता है ये मज्जिमा निकाय 21 है, शायद मज्जिमा निकाय 21। तो अगर ये इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि अगर ये जो है छवि आपके मन में याद रखनी चाहिए, तो आपके प्रति किसी के प्रति द्वेष नहीं टिकेगा। अगर कोई आपका हाथों को भी काटता है दो आरी से, तो भी उसके प्रति आप मेहता रखना चाहिए, तो उसको हर टाइम याद रखना चाहिए। मैं जब सिटी बैंक में था और ये मेरे को पता चला, तो इसको प्रिंट आउट करके मैंने अपने यहाँ पे रखा था कंप्यूटर के पास में, क्योंकि अगर आप काम करते हैं तो आपको पता है कि कितने लोग अच्छे रहते हैं काम के दौरान। सो सारे अच्छे अच्छे लोगों के बारे में मुझे अच्छा अच्छा ही सोचना है करके मैं ये प्रिंट आउट करके रखता था एक दो जगह पे और पढ़ता था इसको। तो ये बहुत ही काम करता है, कारगर है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप कितना छोटी छोटी बातों के अंदर आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आपका ये अगर छोटा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो आप गुस्सा हो जाते हैं। तो आप सोचना चाहिए कि ये अगर इसको कंपेयर करने के लिए रखा जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ब्रह्मलोक क्या है? उद्देव और क्या है ये स्वर्ग क्या है, संक्षिप्त में बताएं। देखो ऐसा है कि जैसे ये लोक है ऐसे भी अलग लोक हैं। ओके, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे ये हम बोलते हैं कि ये जो हमारा जो ये लोक है वो हम इसके अंदर इंद्रिया है, हाँ, तो आपने इंद्रिया है, इंद्रिया से आप करते हैं और हम स्थूल शरीर रखते हैं। तो जो दूसरा लोक है वहाँ पे आपका शरीर दूसरे तरीके का रहता है। तो कुछ लोकों के अंदर आपका शरीर स्थूल बोलते हैं, फाइन मटेरियल बोलते हैं, फाइन मटेरियल, ये हो गया मटेरियल।
तो फाइन मटेरियल मीन्स सूक्ष्म आपका शरीर रहता है। फिर कुछ लोग हैं जैसे जैसे अरूपा जाना के बारे में अभी हमने बात की, तो आपका अरूपा जाना का अभ्यास है आपको, और अरूपा जाना के आपको वो अगर आप उससे ज़्यादा आप सीखते नहीं हैं और आपका मृत्यु होता है, तो आप अरूपा जाना लोक में होते हैं, तब वहाँ पे आपका शरीर नहीं होता, सिर्फ मन होता है, तो ये फाइन मटेरियल शरीर भी नहीं रहता है। तो वो जो लोक है वो भी लोक है, मगर इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी में लोक है। जैसे वो लोग बोलते हैं अर्थ बाउंड देवा, देवा जो पृथ्वी पे रहते हैं, तो जैसे ये जगह पे हैं जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे देवा रहेंगे, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियाँ हैं तो उनको अट्रैक्ट होके बहुत सारे देव आते हैं और रहते हैं। जैसे झाड़ है, अच्छा झाड़ रहेगा तो उसके अंदर देव आके रहते हैं। तो अभी इसके बाद में जैसे हमने हेवन ऑफ द 33 बताया, हाँ 31 प्लेन्स है, हाँ बट हेवन ऑफ द 33 हमने जो बताया था, हेवन ऑफ द 33, हाँ तो उन लोगों ने शील पालन किया था, चार शील, तो उन लोगों को लिए एक देवलोक बनाया गया था, वो देवलोक पहला देवलोक है। उसके बाद में आगे आगे देवलोक आते हैं, और वो जो देवलोक है ये सारे जो पृथ्वी के देवलोक है उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, और उसके आगे के देवलोक उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग लेवल के अंदर देवलोक है, और उसके हिसाब से फिर जानवरों का लोक है। ओके, जानवरों का लोक जो है जैसे आपको उसके नीचे है, हमारे मनुष्य के नीचे, उसके बाद में फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, हेल बोलते हैं इसको, निराय नर्क, तो नर्क का नर्क लोक है, और नर्क लोक में भी अलग अलग तरह के नर्क लोक है। तो उस तरह से इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोस या ब्रह्मांड, तो ये बुद्ध ने बताया हुआ ब्रह्मांड है, और ये जो है उनका वर्णन किया है, उन्होंने बनाया नहीं है, ना ही ये वो इसका इच्छा करते हैं, मगर ये उसका व्याख्या करते हैं सिर्फ, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो मैं देखता हूँ और समझता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, देखे बगैर या समझे बगैर मैं आपको कुछ बताता नहीं। तो ब्रह्म लोक के अंदर क्या है कि ब्रह्म के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ब्रह्म लोक हैं। सो ब्रह्म लोक के अंदर आप जिस तरह से आपका यहाँ पे पुण्य किया है उस पुण्य के हिसाब से आपका जन्म होता है, या आपने मेडिटेशन किया है उस मेडिटेशन के लेवल के हिसाब से आपका वहाँ पे जन्म होता है, और उसके बारे में पूरा जानकारी है, बहुत सारा स्टडी किया गया है। हमारा जो बंते विमरमसी के एक स्टूडेंट है डेविड, उसको बहुत शौक है, उसने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उसके बारे में, और बहुत अच्छी तरह से वो इसके बारे में जानकारी देता है। वो प्रेजेंटेशन है शायद मेरे पास में या मिल जाएगा, मगर वो पूरा एक सत्र लग जाएगा उसके लिए, उसके लिए अगर प्रोजेक्टर या ऐसा कुछ रहेगा तो कभी ले सकते हैं। तो उस तरह से ब्रह्म लोक के अंदर भी महाब्रह्म जो है वो ब्रह्मों का वो पहला गिना जाता है, ज्येष्ठ, और वो ऐसा तरह बुद्ध कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जो जब ये पृथ्वी है, जब ये एक्सपैंड हो रही है, पृथ्वी मीन्स पूरा ब्रह्मांड ये एक्सपैंड हो रहा है, तभी जीव रहता है, तब उसके बाद में सारा जीवन जो है यहाँ पे समाप्त होता है, तो सब अपने अपने लोकों में चले जाते हैं, देव लोकों में जाते हैं। जब वो पृथ्वी एक वापस आती है और फिर से एक्सपांड होती है, तब पहला जो व्यक्ति जो आता है वो है जो महाब्रह्म है, जो जो ज्येष्ठ ब्रह्म है वो आता है। जब वो आता है पहले, तो वो देखता है कि कहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसका समय का कुछ पता ही नहीं है। तो आपको वॉच चाहिए ना आपको समय के लिए, तो वो उसके पास वॉच नहीं है, कुछ नहीं है, वो वहाँ पे बैठा है, वो सोचता है कि अगर कोई दूसरा एक मेरा एक मुझे साथ देने वाला कोई आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो कुछ समय बीतता है, उसको पता नहीं रहता है, और कुछ दूसरा प्रकट होता है ब्रह्म लोक में, और वो बोलता है कि अरे मैंने ऐसा सोचा और ये पैदा हो गया, और वो उसका वो ब्रह्म लोक में प्रकट होते के देखता है कि वो यहाँ पे कोई है, अरे ये इसी ने मुझे पैदा किया होगा, मैं यहाँ पे नहीं था, अभी मैं यहाँ पे पैदा हुआ तो इसी ने पैदा किया होगा। तो वो उसको बोलता है कि आप मेरे ज्येष्ठ हैं। तो फिर ऐसा वो सोचता है और तो एक ही है, अभी और एक आना चाहिए, और दूसरा कोई आ जाता है,
और उसको समय का पता नहीं रहता है, तो उसके अंदर लाखों बरस भी बीत चुके हों उसका सोचने के अंदर, फिर उसके बाद में वो कोई प्रकट हुआ हो, मगर उसको ऐसा लगता है कि वो चुटकी बजाए और वो प्रकट हो गया, जो उसको समय का कोई ये नहीं है। तो उनको भूख नहीं है, कोई वो आहार नहीं है। आहार वो लोग बोलते हैं कि कुछ सूक्ष्म रहते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के आहार रहते हैं, जैसे कुछ जगह पे सूक्ष्म आहार बोलते हैं उसको, जैसे ग्रेप जैसा रहता है वो सूक्ष्म आहार रहते हैं, कुछ जगह पे सिर्फ खुशी आपका आहार है, जो खुशी महसूस होती है वही आहार है, और किसी के अंदर कॉन्टैक्ट ही आपका आहार है। तो उस तरह से अलग अलग लोगों में आपका आहार भी अलग रहता है। तो उस तरह से ब्रह्म लोगों का आपको ये वर्णन किया गया है कि उसके अंदर भी बहुत सारी अविद्या है ब्रह्म लोगों के अंदर भी। तो एक बार कोई भिक्खु है, वो ब्रह्म को पूछने जाता है, तो कहता है मैं ब्रह्म हूँ, पराब्रह्म हूँ, मुझे मुझे सब ज्ञात है, ऐसा दो तीन बार बोलता है। फिर उसको पता नहीं रहता है क्या जवाब दूँ, तो उसको साइड में लेता है भिक्खु को, बोलता है कि आप ये सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हैं, आप वहाँ पे भगवान बुद्ध है उनको पूछिए, अभी सबके सामने मेरा ये हो जाएगा, तो आप चले जाइए। तो फिर वो वापस भिक्खु आता है और बुद्ध से पूछता है। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि ब्रह्मा लोक है, ब्रह्म के अंदर बहुत सारा उनको पूरा जो ये पावर है, मगर वहाँ पे भी अविद्या का पार्ट है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें वो नहीं जानते हैं। वो बहुत पावरफुल है, बहुत पुण्य किए है, बहुत सारे अच्छा काम किया है, तो भी जो है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपका ये हम सिखा रहे हैं उससे आपको क्या होता है, ज्ञान का प्राप्ति होता है। अगर आपको पावर नहीं मिला तो भी आपको नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं देंगे, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देंगे, और आप अपना जो नियंत्रण है आपका जीवन के अंदर वो नियंत्रण पा सकते हैं। नियंत्रण कब आता है, ये सारी चीज़ें सवाले कब आती हैं, जब आपको पता नहीं है कि सत्य में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, मन किस तरह कार्य कर रहा है, तभी दुख होता है। तो आपको पता चलेगा वो दुख चले जाएगा, तो आपको उसका मार्ग हमने दिया है, उसके ऊपर पालन करना है। और कोई सवाल है? सबको उसके लिए पूरा सुत्ता है, मेहता का जीवन के अंदर फायदे। अभी मुझे अभी कंठस्थ याद तो नहीं है, मगर वो कहते हैं कि आपको 11 बेनिफिट्स हाँ। सो उसके अंदर है, आपका जीवन सुखी रहता है, आपको मन विचलित नहीं होता, हाँ वो अग्नि का है। फिर आपको आप तलवार से नहीं मर सकते, अग्नि से नहीं मर सकते, एक्सीडेंट से नहीं मर सकते, पॉइजन से नहीं मर सकते, वो सब आपको ट्राई नहीं करना ये सूत्र में कहा गया है। मगर एक कहानी बताते हैं हमारे बंते जी के, एक बार एक गांव था, उसके अंदर सब लोग है ना पंचशील का पालन करते थे और मेत्ता का पालन करते थे, सब लोग मेत्ता का अभ्यास करते थे। तो उसके अंदर से एक जो लड़का है वो गुरुकुल में गया सीखने के लिए, तो गुरु ने पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, तो उसने बताया हम सब मेत्ता का पालन करते हैं ये सब। तो उसको टेस्ट करने गया कि ये लोग करते हैं क्या ज़रूर। तो वो जाके जाते वो अपने गुरुकुल छोड़ के अब उसके गांव के तरफ गया, उसको गुरुकुल में छोड़ दिया लड़के को, और वहाँ पे कुछ अस्थि पिंजर मिले उसको, तो अस्थि पिंजर उसने अपने एक पोटले में बांधा और लेके गया, और उनके माँ बाप को बोला कि आपका बेटे का मृत्यु हो गया है। तो पहले तो बहुत दुखी हो गए कि अरे कैसे हो गया मेरा बेटे का, तो बोले नहीं वो आते हुए उसका एक एक्सीडेंट हो गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गया और इसके ये अस्थि पंजर है। तो बोलता है नहीं, तो ये नहीं हो सकता कि वो जो है एक्सीडेंट से मर नहीं सकता, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम ये मेत्ता का पालन करते हैं, वो भी मेत्ता का पालन करता है और शील का पालन करता है, तो ये उसका हो नहीं सकता। और बहुत समझाते हैं, कोशिश करता है, बहुत ये हड्डियाँ बताता है, बोलता है कि नहीं हम मान ही नहीं सकते हैं कि ये आप है। तो फिर वो समझ जाता है कि ये लोग बराबर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो एक बार बुद्ध के पास कुछ भिक्खु आते हैं,
बोलते हैं कि ये वन के अंदर हम गए तो वहाँ पे बहुत हमें यातनाएं मिल रही हैं, यहाँ पे जो देव है वो अलग अलग वेश में आके हमको सता रहे हैं और हमें यहाँ से चले जाने को कह रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि आप वहाँ पे जाके मेत्ता का ये कीजिए। जब वो भिक्खु वहाँ पे गए और मेत्ता का उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया तो वो लोग बहुत खुश हुए, उनको बोला कि आप यहाँ पे जहाँ तक रहेंगे हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको हाँ कर कर नियमित सुता। तो उस तरह से ये जो मेत्ता का जो है बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता है लाइफ के अंदर। अगर आप करते हैं तो हर एक चीज़ के अंदर आप लाइटली आप ले सकते हैं। जैसे एक हमारा एग्जांपल ये कांति खेमा जी है, हमारे बंते के सीनियर स्टूडेंट हैं, तो वो एक कहानी बोलते हैं। जो एक ऑफिस के अंदर लड़की काम कर रही है, उसके बॉस के साथ में हर टाइम पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वीकली रिपोर्ट बनाना रहता है। वीकली रिपोर्ट के अंदर उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है क्या बना है। तो फिर एक बार उन्होंने फिर ये मेडिटेशन का किया और उसके बाद में ऑनलाइन रिट्रीट किया, उसके बाद में उनको पता चला कि ये जो है मैं क्या कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, तो मैं जाके उसे हर टाइम में झगड़ा कर रही हूँ। तो वो जाके अच्छे से बात करता है कि अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं करके। तो फिर उसको डिस्कस करने पे पता चला कि वो बॉस को भी प्रेशर था इस रिपोर्ट के बारे में और हर एक जो खामियां हैं वो उसके ऊपर वाले निकालते थे, तो इसलिए वो चाहता था कि ये रिपोर्ट एकदम अच्छा रहे। तो वो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं और वो लोग कॉपरेशन करके वो लोग अच्छा करते हैं। तो ये मेत्ता का भावना जो है, ये जो फर्गिवनेस का भावना है और ये जो मुदिता है, ये सारे जो चीज़ें हैं आपका डेली लाइफ में काम लग सकते हैं। क्योंकि आपके जैसे आपने यहाँ पे भी बताया बहुत सारा क्लेश रहता है, बहुत सारे असंतुष्टि रहती है, तो असंतुष्टि निकालने के लिए क्या होता है कि ये भावनाओं का जो हम यहाँ पे सीखेंगे, मेत्ता है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, वो आपको काम लगेंगे आपके जीवन के। और कोई सवाल? हाँ, स्वर्ग हम ये नहीं बताते कि हम इंफॉर्मेशन ये नहीं देते कि स्वर्ग नर्क रियल है। आपको हम मार्ग बताते हैं कि आप सीख सकते हो उससे, अपने आप ही आप चेक कर सकते हैं। एक सिंपल बात किसी ने कही कि आप जब गुस्सा रहते हैं और आपको पीड़ा रहती है, अगर घृणा रहती है, तो आप क्या है नर्क की स्थिति में है, और अगर आप सुख ही रहते हैं और आपका मन हल्का रहता है तो आप कहाँ पे हैं स्वर्ग की स्थिति में है। तो नर्क और स्वर्ग की स्थिति का आपका अनुभव यहीं पे हो सकता है। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि बुद्ध ने कहा कि अगर आप अभी नहीं देख सकते हैं कि क्या नर्क है या नहीं है, स्वर्ग है सही है नहीं, तो आप इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जैसे कोई आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है कि दुख का अनुभव होता है। अगर आपने कोई किसी को आपने दान दिया, तो अगर वो दान देने पे आपको सुख का अनुभव होगा कि दुख का अनुभव होगा? तो आपने किसी पे गुस्सा किया, किसी पे चिल्लाए, तो आपको तब सुखी का सुख अनुभव होता है दुख अनुभव होता है? आपको पीड़ा है ना, तब चिल्लाते हैं किसी के ऊपर मगर आपको पीड़ा है, तो वो आप यहीं पे चेक कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल यहाँ पे भी मिलता है और यहाँ पे बुरा करेंगे तो यहीं पे आपको बुरा फल भी मिलता है। अगर आप सोचें कि अगर नर्क है या स्वर्ग है तो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नुकसान नहीं है, और फिर अगर है तो मुझे आपको स्वर्ग भी मिलेगा। अगर मैंने बुरा काम किया तो मुझे नर्क भी मिल सकता है और यहाँ पे भी मुझे दुख है, तो मैं बुरा काम क्यों करूँ, अच्छा काम करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे फायदे अच्छे काम के लिए हैं। उसके भी लिस्ट दिए गए हैं, जैसे आपका नाम अच्छा होता है, आपका यश होता है, आप कहीं पे भी जाते हैं आपको वेलकम करते हैं, अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उसके बारे में भी लिस्ट दिया गया है। तो उस तरह से आपका सोचना चाहिए कि ये, और हम यहाँ पे जो सिखाते हैं वो नर्क या स्वर्ग से परे का सिखाते हैं। इस जो चक्र में आप फंसे हैं उस चक्र के अंदर जो आप अपने जीवन के अंदर ही देख सकते हैं कि आप कभी सुखी है, कभी दुखी है, कभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर आप सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये जो चक्र है आपके जीवन में भी चल रहा है। तो ये पूरा जीवन का भी, संसार का भी चक्र ऐसे ही है कि कभी आप सुखी है, कभी दुखी है।
बुद्ध कहते हैं कि आप इतना जीवन जी चुके हैं कि आप किसी को भी मिल नहीं सकते जो आपका कोई नाती ना हो, मीन रिलेटिव ना हो। तो आप यहाँ पे हम लोग सब लोग एक दूसरे के रिलेटिव रहेंगे, क्योंकि हम लोग इतना जी चुके हैं, हम इतना समय अब तक आ चुके हैं कि हम लोग में से सब लोगों ने एक बार तो विश्व का जो है सम्राट का पद हमने लिया हुआ है, विश्व सम्राट हम लोग सब बने हुए हैं। उसके बारे में एक अच्छी कहानी है, जब भरत जो ये भारत वर्ष का नाम पड़ता है भरत से, भरत राजा था, उसने विश्व को सम्राट बन गया, तो उसके जो ब्राह्मण था उसने बोला कि अभी आपका कार्य है, ये आपका ध्वज है, ध्वज जाके आपको मेरू पर्वत में डालना है। मेरू पर्वत बोलते हैं कितना किलोमीटर का प्लेटो है, कितना किलोमीटर का वो मेरू पर्वत के अंदर प्लेटो है। तो वो जाता है, पूरा मेरू पर्वत चढ़ता है और ध्वज डालने जाता है, तो देखता है कि पूरा मेरू पर्वत ध्वजों से ही भरा हुआ है, उनके ध्वज के लिए उनको एक इंच की जगह नहीं है। तो वो सोचता है कि कितने मेरे से आगे यहाँ पे आ चुके हैं, जो 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 विश्व को सम्राट थे उनका कोई नाम भी नहीं जानता, उनको कोई पता नहीं जानता, उनके बारे में कोई कहानी कोई नहीं जानता, वो कैसे किस तरह ये है। और वो वहाँ पे ध्वज छोड़ देता है और संन्यास ले लेता है। तो उसका हमारा इंडिया के अंदर जो है बहुत अच्छा कहानी है ये भरत के ऊपर। तो इस तरह से आपको सोचना है कि आप लोगों ने बहुत बहुत जन्म बिताए हैं और सारा चीज़ आपका हुआ है, तो आपका जो भी अनुभव अभी है उसी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है कभी भी आप समझो 1 करोड़ साल आप रहे या 1 करोड़ जन्म आपने लिया, तो 1 करोड़ जन्म में हर समय आपका कहाँ पे थे, हर करोड़ जन्म में हर समय आप कहाँ पे थे, वर्तमान में थे। एक करोड़ आपका जन्म हो भी गया है तो हर एक करोड़ जन्म के अंदर हर समय आप वर्तमान में ही थे। आप भविष्य में हो सकते हैं? नहीं हो सकते, आप वर्तमान में ही थे। आपने अगर करोड़ों वर्ष भी बिता दिए हैं तो हर एक करोड़ों वर्ष का हर एक पल आपने वर्तमान में बिताया है। तो वर्तमान का क्या है, कहाँ पे है, कहाँ पे अभी वर्तमान अभी है, तो अभी कार्य करने के लिए क्या कहा गया है, अभी वर्तमान में ही कार्य करने के लिए कहा गया है ना। तो आप कार्य कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे आप कर सकते, वर्तमान में ही कर सकते हैं। तो आप हर समय वर्तमान में हैं तो हर समय वो कार्य कर सकते हैं जो आपको बताया गया है। तो हर समय आपका कोई ना कोई मन जो है आपको पीछे ले जाता है, आगे ले जाता है, और या यहीं की बातों में उलझाता है, अभी की बातों में। मगर आपको समझना चाहिए कि ये जो चीज़ है उसका आदत है किस तरह से काम कर रहा है, क्यों नहीं, क्यों मुझे ऐसा होता है, क्यों मुझे पुरानी ख्याल आते हैं, क्यों ऐसा होता है, ऐसा नहीं, किस तरह ये चल रहा है, ये मेरा मन किस तरह चल रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी जानना, और आपको अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास वर्तमान ही है। आप अभी और 100 साल जिएंगे तो भी वर्तमान में ही जिएंगे 100 साल, ओके। तो आपको आपका कार्य करते रहना चाहिए, ओके। और कुछ नहीं, यही रूटीन रहेगा। आप पहले से अभी 8 शील लेके हैं तो पूरी पूर्णिमा भी 8 शील लेते हैं ना, और शाम का खाना नहीं खाते, तो वैसे ही यही रूटीन है, पूर्णिमा का रूटीन ही आप कर रहे हैं ना, तो आपको कोई अलग रूटीन नहीं है। तो ये तो आप और अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि अगर आपने एक पूर्णिमा में भी अच्छा से आप रहे, आपने अपना कार्य किया, तो भी आपका उद्धार हो सकता है एक ही पूर्णिमा में। तो अच्छा आपने किया, उतना पुण्य मिलता है, तो अभी आपने हर एक दिन पूर्णिमा है आपकी, तो 10 पूर्णिमाओं का आप पुण्य कमा सकते हैं इस पर, ओके। चलो फिर हम ये हमारा जो शेयरिंग ऑफ मेरिट है हम पढ़ते, साथ में पढ़ना है आपको, सब लोग ये लीजिए। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त,
हो सुखी सब प्राणी, हमने किया यो जो पुण्य पादन, सभी सब बात सभी देव दे उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनागा करे पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखे बुद्ध शास्त्र।